आप देख रहे हैं वार्ता 24। सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी के बारे में आखिर कौन नहीं जानता। पाकिस्तान से अपने प्यार को पाने के लिए भारत आई सीमा लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। उनके प्यार के साथ साथ आर्थिक हालात को लेकर भी चर्चा हो रही है। सचिन और सीमा के परिवार की तरफ से कहा गया था कि काम धंधे के लिए बाहर न जाने के कारण उनके खाने के लाले पड़ गए हैं। उनके घर की आर्थिक हालात खराब हो गई है। ये खबर जैसे ही वायरल हुई, उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अमित जानी ने सीमा और सचिन की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। अमित ने अपने फिल्म प्रोडक्शन हाउस जानी फायर बॉक्स तले बनने वाली मूवी में अभिनय का ऑफर कपल को दिया है। अमित जानी ने हाल ही में मुंबई में फिल्म प्रोडक्शन हाउस बनाया है। इसका नाम जानी फायर बॉक्स है। उदयपुर में हुई टेलर कन्हैया लाल साहू की हत्या पर अमित फिल्म बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म का नाम अ टेलर मर्डर स्टोरी रखा गया है और ये फिल्म नवंबर में रिलीज होनी है। अमित जानी ने सीमा और सचिन को ऑफर दिया कि यदि वे उनके प्रोडक्शन में काम करें तो वह काम करने के एवज में कपल को पैसे भी देंगे। अमित जानी ने अपनी तरफ से वीडियो जारी करते हुए कहा कि जिस तरीके से सीमा हैदर भारत में दाखिल हुई, उस तरीके के समर्थन वो नहीं है। उन्होंने इसका विरोध भी किया था, मगर अब जब मीडिया के माध्यम से खबर आ रही है कि उसके घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, दाने दाने को मोहताज वो है, तो हमारा एक भारतीय होने के नाते फर्ज बनता है कि उनकी मदद की जाए। हमने अब यह निर्णय लिया है कि वह हमारे प्रोडक्शन हाउस जिनका नाम जानी फायर बॉक्स है, उसके तले बन रही फिल्म में वो अभिनय कर सकती है। इस फिल्म का टीजर भी लॉन्च हो चुका है और हम सीमा को उसके काम के बदले मेहनत ताना भी देंगे। आप देख रहे हैं वार्ता 24।